तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सास्के ओपी। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे। तो ये है सास्के की पाठशाला का एपिसोड नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे शॉर्ट फाइट ब्रेकडाउन बिटवीन नाइन टेल्स एंड लुकारियो। मैं दोनों के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए था नाइन टेल्स ने जो किया, एंड लुकारियो ने क्या करना चाहिए था जिसके वजह से उसकी मौत नहीं होती। तो पहले सिचुएशन जान लेते कि क्या चल रहा है। फाइनल स्ट्रेच चल रहा है एंड हम गोल पे गोल मार रहे हैं, एंड जो नाइन टेल्स की एचपी है वो ऑलमोस्ट 25% पे है, यानी कि अगर मैं क्लोज रेंज में लड़ता रहा तो मेरी जल्दी मौत होने वाली थी। तभी एंट्री होती है लुकारियो की विद फुल एचपी, एंड मुझे सामने यमराज के दर्शन हो गए थे। एंड अब यहाँ पे पूरी बात आती है एक्सपीरियंस की, कि आप पोकेमॉन्स को कितने अच्छे से जानते हो। तो देखो गाइस, नाइन टेल्स मिड रेंज का पोकेमॉन है एंड उसके अटैक्स क्लोज रेंज में काम नहीं करते। अगर आप नाइन टेल्स के प्लेयर हो तो टिप्स नंबर 1 ये लिख लो, नाइन टेल्स को कभी क्लोज रेंज में लेके मत जाना क्योंकि उसके अटैक्स काम नहीं करेंगे। तो मैंने पहले यूज़ किया कॉम्बो अटैक विद ब्लिजर्ड एंड एवलैंच। ब्लिजर्ड से क्या हुआ, उसको एक पुश मिला प्लस वो थोड़े टाइम के लिए फ्रोज हुआ। एंड सेकंड जो चीज़ मैंने की वो वहाँ से जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे रुका तो मेरी मौत होने वाली है, क्योंकि लुकारियो क्लोज रेंज का प्लेयर है एंड क्लोज कॉम्बैक्ट से वो मेरी वहीं पे जान ले सकता था। सो आई स्टार्टेड रनिंग एंड एक उसको बीच में काइंड ऑफ डैमेज देते हुए, एंड यहाँ पे हेल्प मिली मुझे अटैक पोशन की। दैट्स वाई गाइज, आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो विथ पोशंस, चाहे आप अटैक पोशन के साथ जा रहे हो या हेल्थ पोशन के साथ जा रहे हो, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशंस होती है जिनमें वो 1% है ना पूरी मैच फिरा देता है, एंड यही पे वही हुआ। अटैक पोशन से जो मेरे अटैक्स थे उनको मिला ज़्यादा डैमेज, एंड मेरा जो स्पीड था वो थोड़े टाइम के लिए बढ़ गया, इसलिए मैं एक डिस्टेंस कवर कर पाया एंड वाई से डिस्टेंस से मैंने अटैक दे दिया। एंड अब लुकारियो ख़त्म होने को है क्योंकि उसकी एचपी ऑलमोस्ट 15% पे आई थी, एंड आई नो कि उसके बाद वो पीछे ही भगने वाला है। वो भगा एंड मैंने उसका पीछा किया, एंड जैसे कि आपको पता है नाइन टेल्स लॉन्ग रेंज का प्लेयर है एंड ही इज़ गॉन। तो देखो गाइज, अगर लुकारियो का पर्सपेक्टिव यहाँ हम समझते हैं तो लुकारियो क्लोज रेंज का प्लेयर है, मोस्टली उसके अटैक क्लोज रेंज के लिए दिए गए। इसलिए अगर आप किसी भी क्लोज रेंज के प्लेयर के साथ खेलते हो, जराओरा के साथ या माचाम के साथ या लुकारियो के साथ, कभी भी रेंज प्लेयर का पीछा मत करो। मैं थक गया ये चीज़ कह के कि कभी भी रेंज प्लेयर का पीछा मत करो, क्योंकि रेंज प्लेयर की वो खासियत ही है कि वो भागते भागते भी आपको डैमेज दे सकता है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास वोल्ट स्विच हो या एक्सट्रीम स्पीड प्लस बोन रश जैसे अटैक हो जो बहुत क्विक तेज़ी से इधर उधर कर सकते हैं। एंड इसीलिए यहाँ पे लुकारियो की मौत हो गई। अगर लुकारियो बीच में गिव अप कर देता एंड पीछे चला जाता तो शायद उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो ये था गाइस सास्के की पाठशाला का एपिसोड नंबर 5, जिसमें हमने देखा कि थोड़ी सी आई होप आपको टिप्स मिली होगी। कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि ऐसे ऐसे शॉर्ट वीडियो से मैं आपको टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके वजह से मेरा जो पूरा माइंडसेट होता है गेम खेलने में, मेरा जो एक्सपीरियंस लगा रहा हूँ मैं, वो आपको भी मिल सके। तो आई होप आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा इस वीडियो से, कमेंट में ज़रूर बता देना। तब तक के लिए स्टे टिल एंड बाय बाय।